क्योंकि मुझे एनआईटी चाहिए थी, मैंने कोर्स नहीं लिया क्योंकि मेरी थ्योरी बेसिक सारी कंप्लीट थी। ये मैथ है बेटा, मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी। एंड में ये देखना है कि आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। चलिए एक और नई टॉपर से मिलते हैं। निमसेट 472 रैंक है शीतल, जो कि बिहार से हैं और इनको एनआईटी भोपाल अलॉट हुआ। तो सबसे पहले शीतल, आपको एनआईटी भोपाल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो शीतल का ड्रॉप ईयर था, इन्होंने एक साल पढ़ाई की है अच्छे से, बहुत अच्छे से मेहनत की है। तो शीतल, आपकी जो सक्सेस जर्नी इंटायर, वो मैं चाहूंगा आप बताएं अच्छे से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शीतल है और मैं बिहार लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरी ऑल इंडिया रैंक 472 है और मुझे एनआईटी भोपाल अलॉट हुआ है। एंड मुझे जब मैंने मेरा बीसीए था, तो जब मैंने बीसीए कंप्लीट, मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एमसीए करना है। तो फिर बहुत से पूछा तो सबने बोला एमसीए से कोई कैरियर नहीं है, हर 2 घर के बाद तुमको एमसीए वाले मिलेंगे, तो ये वो। तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। बट फिर मैंने वापस से यूट्यूब खोला तो मुझे शरद सर और सौरभ सर का एक इंटरव्यू देखने को मिला, जिससे मुझे पता चला कि एमसीए एनआईटी से होते हैं। तो मुझे एनआईटीएन बनने का बहुत बड़ा शौक था, तो मैंने बोला ठीक है मैं करती हूँ। तो फिर मैंने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया, तो फिर लास्ट ईयर मेरी रैंक कुछ 698 थी। तो मुझे प्रिफ्रेंस में मेरे मिस्टेक की वजह से मुझे एनआईटी पटना का सेल्फ फाइनेंस अलॉट हुआ था। और मैंने फिर बीएचयू दिया, तो बीएचयू में मेरी ऑल इंडिया रैंक 167 थी। तो सेकेंड राउंड में मुझे वो मेन कैंपस अलॉट हुआ, फिर मेरी एससीयू में भी सिलेक्शन हो गई थी। बट मुझे सर की वो बात याद थी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि मुझे एनआईटी चाहिए थी और थोड़ी बेटर चाहिए थी। तो मैंने सर को फ़ोन किया तो सर ने बोला ड्रॉप ले लो, कोई इशू नहीं है। और मेरे पापा तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया, एक बारी मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो पापा ने बोला सेमेस्टर एग्जाम छोड़ दो, मैंने बोला नहीं पापा सारे क्या बोलेंगे, तो पापा ने बोला तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ खड़े, तुमको दूसरे से क्या लेना देना है। तो पापा थैंक यू, वो हमेशा मेरे सपोर्ट में, पापा मम्मी मेरी दीदी हमेशा। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया, तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज सर का ज्वाइन किया, मैंने कोर्स नहीं लिया क्योंकि मेरी थ्योरी बेसिक सारी कंप्लीट थी, तो मैंने बस टेस्ट सीरीज लिया। तो उसको टेस्ट सीरीज कंप्लीट किया तो फिर बस दिया और हो गया सिलेक्शन। देखिए अभी शीतल से आपने एक बात सुनी होगी कि लास्ट ईयर एनआईटी पटना मिला, हैदराबाद यूनिवर्सिटी मिला, बीएचयू मिला, पर मन में यह था कि एनआईटी भी जाना और एनआईटी में भी थोड़ा अच्छे एनआईटी जाना, और पटना क्योंकि नया नया स्टार्ट हुआ था तो बिहार की होने के बाद भी, इसलिए इसको लगा कि नहीं पटना की जगह कोई और एनआईटी होता तो अच्छा होता। तो एनीवे अंत भला तो सब भला, तो देखिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आज एनआईटी भोपाल जैसा कॉलेज मिला, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो शीतल, आपका अपने जूनियर्स को क्या मैसेज होगा, क्योंकि आपने अच्छी चीजों के मिलने के बाद भी छोड़ के कंप्रोमाइज नहीं किया, तो आपका मैसेज बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जो लोग जल्दी समझौता कर लेते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे, स्पेशली गर्ल्स? हाँ, तो जूनियर्स को बताने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है। जब मैं फर्स्ट टाइम इम्पेटस आई थी तो मैं रोती हुई सर के केबिन में गई कि सर मेरे से नहीं हो रहा। तो सर ने बोला कितने दिन हुए आए हुए, तो मैंने बोला सर ये मेरा पहला दिन है। तो सर ने बोला कहाँ से हो, तो मैंने बोला सर बिहार से हूँ। तो सर ने बोला तुम पहली बच्ची हो बिहार की जो रो रही हो और बोल रही हो मेरे से नहीं हो रहा, मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं। तो मेरे को थोड़ा लगा कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर सर ने बोला ये मैथ है बेटा, मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी। तो मैं बस यही बोलूंगी कि चीजों को थोड़ा टाइम दो, अभी नहीं समझ में आ रहा तो उसको टाइम दो, उसका एनालिसिस करो प्रॉपर, उसको पढ़ो, फिर वो धीरे धीरे समझ में आनी हो जाएगी चालू। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम किया और आपका हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, ऑल ओके, ठीक है। बस आप पैनिक मत हो, फैमिली का सपोर्ट है, और गर्ल्स को मैं यही बोलूंगी कि ड्रॉप लो, कोई इशू नहीं है। बस एंड में ये देखना है कि आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, बस। थैंक यू सर। बिल्कुल सही बात बोली शीतल ने कि एंड रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो देखो। और दूसरी बात, कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करो तो डे वन में उसका रिजल्ट नहीं मिल सकता, टाइम लगता है, वेट करना पड़ेगा, सब कुछ मैजिक नहीं है, मेहनत करोगे तो उसका फल लेटर सूनर मिलेगा जरूर। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।